धन्यवाद। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि बड़ी चर्चा हुई दिल्ली में जब एक ऐसा ही ऐप या यूं कहें ऐसा फोन नंबर लॉन्च किया था अरविंद केजरीवाल ने। अब कुछ वो उत्तराखंड में हो रहा है, आपको लग रहा है बिल्कुल सही हो रहा है? देखिए रजनी जी, हमने अभी कुछ समय पहले पंजाब में भी एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है जी, बिल्कुल भगवंत मान जी ने जो कि वहां के सीएम है जी, और फेसबुक के माध्यम से सभी जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों द्वारा सरकार से अपील भी की गई कि इसी प्रकार का कुछ उत्तराखंड में भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कदम को उठाया है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा इस पर यह कहना है कि देखिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ना तो किसी ऐप की जरूरत है ना किसी नंबर की जरूरत है, जरूरत है नियत की और साफ नियत वाली सरकार की। देखिए इससे पहले भी जो 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है 2017 से 2022 के बीच तक 22 तक उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और समय समय पर आपके चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों ने उसे उजागर भी किया है। और मुझे लगता है कि ये जो ऐप अभी लॉन्च किया गया है ये हाथी के दांत हैं। देखिए हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। देखिए हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार समाप्त हो, इसके लिए सरकार अगर कोई पहल करती है तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन सिर्फ अगर दिखावा करना है और दिखावे के लिए, क्योंकि पूर्व में भी इनके मुख्यमंत्री पिछली सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी 1095 करके कुछ नंबर लॉन्च किया था और कुछ समय तक वो 2-4-10 दिन तो उसमें हलचल रही, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार इतने चरम पर हुआ कि उस नंबर पे ना तो फोन लगते थे ना उस नंबर पर कोई जांच सुनी जाती थी। तो अगर खाली दिखावा करना है तो दिखावा तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है और मुझे लगता है आगे भी करती रहेगी। रजनी ठीक है।